हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजलिंग दिव्या। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सॉफ्ट ग्लैम इंडियन मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ग्लोई एंड सॉफ्ट सा मेकअप लुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक छोटा सा बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फेस की क्लिंजिंग करना, क्योंकि CTM जितना अच्छा होगा मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा ग्लोई लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने फेस की क्लिंजिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिंजिंग मिल्क से अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी वेट टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं अपने फेस से जितनी भी डर्ट होगी वो निकाल दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर, क्योंकि CTM का नेक्स्ट प्रोसेस होता है टोनर। तो यहाँ पर मैं प्लम का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टोनर है गाइज। बहुत अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और आपके फेस में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला टोनर है ये। एंड सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय की फ्रूट क्रीम, और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस। बहुत अच्छे से आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाला मॉइस्चराइज़र। सो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के टेक्स्चर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लाइक आपका स्किन टोन कौन सा है आप उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। देन नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हर्बिकॉर्न का ये विटामिन सी सीरम, जो कि बहुत अच्छे से आपके फेस को ब्राइटन करता है और आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे उनको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छा सीरम है ये। एंड गाइज, बहुत अच्छे से ये आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो लिंक्स ना आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो आपको इस तरीके से सीरम अप्लाई करना है, इससे आपकी जो स्किन है बहुत स्मूथ लगेगी और बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेगा आपका फेस और जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि एक अच्छा CTM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो प्राइमर आपके फेस को अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है, जिससे कि आपका और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी एंड बाकी जगह पर भी अप्लाई कर लेंगे, ताकि जो मेकअप है वो अच्छे से टिका रहे, काफ़ी टाइम के लिए वो चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने फेस को जो है अच्छे से रेडी कर लिया है मेकअप बेस अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा जो फेस है वो रेडी हो चुका है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम, क्योंकि फेस के साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेकअप से पहले ही आपको अपने फेस लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। यहाँ पर मैं बाम यूज़ कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा फेस जो है वो बिल्कुल रेडी है मेकअप के लिए। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड है मेरा फेस। तो अब मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे डार्क एरिया है वहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, अपने आईलेट पर, अपने पूरे आईलेट पर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जितने भी डार्क सर्कल होंगे और जहाँ भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो सारे ही हाइड हो जाते हैं कंसीलर की हेल्प से। और यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो, एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। देन इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे आईलेट पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ मैं इसे डैप डैप करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो डार्क सर्कल्स थे वो काफ़ी
ज़्यादा हाइड हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कंसीलर है ये। इनसाइड का कंसीलर मैंने यूज़ किया था, तो लिंक्स ना आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है मैं भूल जाऊँ बताने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं डैप डैप करके अच्छी तरीके से जो भी कंसीलर मैंने अप्लाई किया है अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देन नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, और यहाँ पर मैंने लिक्विड परफेक्टिंग फाउंडेशन लिया है लैक्मे का, तो इस तरीके से। और शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये वाला फाउंडेशन ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छे से यू नो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी रनी है, वाटरी सा इसका जो है टेक्सचर है, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस में ना अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस में डॉट डॉट करके अपने फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर लिया था। देन यहाँ पर मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। एक और चीज़ गाइज, आपको अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया को ज़रूर कवर करना है, वरना वो दोनों आपस में मैच नहीं होंगे और बहुत ही अलग अलग से लगेंगे। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके यू नो फेस का कलर कुछ और लगे और आपके नेक का कलर कुछ और लगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, और कुछ ओवर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि फाउंडेशन जो था वो मेरे ही शेड का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये फेस में ब्लेंड हो गया है। देन नेक्स्ट मैं अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर का। आप चाहो तो लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, या बनाना पाउडर का यूज़ कर सकते हो अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि वो समर्स के टाइम पे ना कंसीलर के क्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, और ये ना जब आप स्टार्टिंग में लगाओ तो ये थोड़ा सा यू नो वाइटिश लगने लगता है, बट आप इसे अच्छे से ब्लेंड करोगे और पूरे फेस में आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस में इसे अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ टोनर्स या सीक्रेट्स का, ताकि अच्छे से ये ना मेरे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे डैप डैप कर लूँगी, ताकि बहुत अच्छे से ये फेस में ब्लेंड हो जाए और बहुत फ्लॉलेस सा लुक लगे, बिल्कुल भी ओवर ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे अब्जॉर्ब होने दिया है फेस पे। देन नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, उन्हें अच्छे से शेप दे लूँगी। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से थ्रेडिंग नहीं कराई हुई थी, तो मैं इस तरीके से इन्हें शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से अपने आईब्रोज़ को एक एंगल शेप्ड ब्रश की हेल्प से ब्राउन कलर मैंने पिक किया था, और मैट ब्राउन कलर, तो उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो स्पूल की हेल्प से रिमूव कर दिया। देन नेक्स्ट मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से ले रही हूँ एक डार्क बर्गंडी शेड, जिसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही लाइट सा अमाउंट में लेना है। देन मैं इसे अपने यू नो ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अपने आउटर वी से इनर कॉर्नर तक इसे अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी सर्कुलर मोशन में। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इसे यू नो इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं अपनी आउटर वी से आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सेम ब्राउन कलर पिक किया है, और जिसे मैंने अपने आई शेडो सॉरी अपने आईब्रोज़ को फिल किया था, तो मैंने सेम शेड लिया है और इसे मैं अपने आउटर वी में इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैं एक थोड़ा सा कट क्रीज़ वाला लुक दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कट क्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इस तरीके से थोड़ा सा कंसीलर लेके अपनी हाफ़ कट क्रीज़ बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से। देन मैं थोड़ा सा शिमर पाउडर लूँगी, जो कि सिल्वर कलर का था, और ये मैंने सेम आई शेडो पैलेट ही यूज़ करी है, सारे यू नो शेड्स उसमें ही थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लश अप्लाई करते टाइम आपको करनी है क्यूट सी स्माइल, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। और अब मैं अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है 5-in-1 लिपस्टिक हुडा ब्यूटी की, और इसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। देन यहाँ पर यूशर ब्यूटी की मैंने आई लैशेज अप्लाई की हुई हैं, बहुत ही अमेजिंग आई लैशेज हैं गाइज, और इनका नाम लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, लाइक ब्यूटी ब्लेंडर भी मैंने यूशर ब्यूटी का ही यूज़ किया हुआ था। तो उनकी उनके पेज की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइस, आप देख सकते हो कितना ही बहुत ही फ्लॉलेस सा लुक लग रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा लुक है, आप
इसे अपने किसी भी फंक्शन के लिए यू नो क्रिएट कर सकते हो। सो या ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपका करना है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।